कश्मीर के बड़गाम में MI-17 क्रैश होने के बाद कानपुर का लाल एक शहीद हो गया था। हम इस वक्त मौजूद हैं दीपक पांडे के घर पे। हम आपको बताना चाहेंगे पार्थिव शरीर दीपक पांडे का उनके निजी आवास पर पहुंच चुका है। आपको दिखाएंगे कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, दीपक पांडे अमर रहें के नारे लग रहे हैं। आप देखें किस प्रकार से पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। हर कोई देशभक्ति से सराबोर है, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए दीपक पांडे को उमड़ पड़ा है पूरा कानपुर। आप देखें कि पुष्प वर्षा की जा रही है। यहाँ पर दीपक पांडे का पार्थिव शरीर उनके निज आवास पर लाया जा रहा है। ये महाराजपुर का इलाका है जहाँ के रहने वाले हैं दीपक पांडे, और उनके पैतृक घर पर उनका आज पार्थिव शरीर लाया गया। आपको बताऊँ कि बुधवार को कश्मीर के बड़गाम में एक MI-17 क्रैश हुआ था जिसमें दीपक पांडे शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को सलाम करने के लिए आप देखिए कि पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है, नेता अभिनेता से लगाकर हर कोई यहां पर है, हर आंख नम है दीपक पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरा शहर उमड़ पड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद पहुंचे हुए हैं कानपुर में, जो शहीद के परिजनों को सांत्वना देंगे। ये दीपक पांडे का जो एयरफोर्स की ये वैन है जिसके अंदर दीपक पांडे का पार्थिव शरीर लाया गया है। पूरे शहर ने दीपक पांडे के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए हैं, और ये देखिए कि लगातार पुष्पों की वर्षा जारी है। बच्चे से लगाकर बूढ़े तक हर तबके के लोग यहाँ पर के आए हुए हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना भी यहाँ पर हैं। आप देखिए कि जो ये श्रद्धा का जो ये भाव है, जो भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वैन है जिसमें दीपक पांडे का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। आप देखिए कि हर कोई, हर पूरा इलाका, आप देखिए कि छतों पर महिलाओं से लगाकर बच्चे बुजुर्ग सब लोग दीपक पांडे को यहाँ पर श्रद्धांजलि और पुष्प वर्षा करने के लिए आए हुए हैं। आप हुजूम साफ तौर पर देखिए। हम आपको दिखाएंगे दीपक पांडे का ये घर है जहाँ पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दीपक पांडे के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो ये अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी और कुछ ही देर बाद, और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ में, सैनिक सम्मान के साथ में दीपक पांडे को, शहीद दीपक पांडे को अंतिम विदाई दी जाएगी। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी भारत कानपुर।